भारत में औषधि प्रणाली से उपचार पौराणिक कालों से होती आ रही है। इसमें वैद्य के द्वारा कई तरह की पत्तियों से जड़ी बूटियां बनाया जाता था और उससे उपचार संभव हो पाता था, लेकिन यह प्रणाली धीरे धीरे विलुप्त होती नजर आ रही है। पर अभी भी आसपास में ऐसे कई पौधे हैं जिससे आप अपना उपचार स्वयं कर सकते हैं। इसमें से एक है आरंडी का पौधा। इसके बीज से निकलने वाले तेल से कई फायदे हैं जो आपको रोग मुक्त कर सकते हैं। इसके बीज से लेकर पत्ती तक उपयोगी होती है, लेकिन इसे जंगली मानकर लोग इसके उपयोग नहीं करते हैं। वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर विनय कुलर ने बताया कि आरंडी के तेल के काफ़ी सारे फायदे होते हैं। इसका तेल बालों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। तो आइए सुनिए डॉक्टर विनय कुलर ने इस बारे में क्या बताया। अरंडी जो है ये एक बड़ी महत्वपूर्ण औषधि है आयुर्वेद के हिसाब से, और इसका अगर लैटिन नेम देखा जाए तो रेसिनस कॉम्बिनेशन ये है इसका लैटिन नेम। और ये औषधि जो है ये इसका जो रस होता है वो मधुर रस है, और इसका जो है जो पोटेंसी है उष्ण पोटेंसी माने गई है। आयुर्वेद के हिसाब से एरंड जो है किसी भी तरीके की, इसका अगर यूज़ देखा जाए तो किसी भी तरीके का, सपोज करो कि स्पॉन्डिलाइटिस अगर किसी को है, या बैकएक की प्रॉब्लम है, या लंबो सियाटिका सिंड्रोम है, या ऑर्थाइटिस है, रिमेटाइड ऑर्थाइटिस, गाउटी ऑर्थाइटिस जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, या ये फ्रोजन शोल्डर है, इस तरीके की कोई भी अगर आयुर्वेद के हिसाब से 80 तरीके की वातज व्याधियां मानी गई है, तो ये एक उत्तम वात नाशक औषधि माना गया है इसको। 80 तरीके की जो है इसमें मतलब जो व्याधियां आयुर्वेद में मुख्यतः मानी गई हैं उसमें जो है ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है। और इसके जो यूजफुल ऑर्गन्स हैं, ये जो जो जिन चीज़ों को इसको यूज़ किया जाता है, तो एक तरीके से इसमें सीड्स इसके यूज़ होते हैं, ऑयल यूज होता है, इसकी जो है बार्क होती है उसका भी, और इसके जो है पत्ते हैं, इसके पत्ते डिफरेंट 5 कटिंग के हिसाब से होते हैं, जिसको पंचांगुल भी कहा गया है। इसी पत्ते के इसके शेप के हिसाब से देखा जाए तो आयुर्वेद में जो संशोधन और संशोधन चिकित्सा है, तो संशोधन चिकित्सा में जब भी हमें कोई आमवाद का पेशेंट आता है तो उसमें अगर हम लोग स्नेहन स्वेदन करते हैं जिस समय, तो इसके पत्तों को जो है काट के उसके जो है पोटली स्वेद वगैरह में बहुत अच्छा रोल करता है, और किसी भी तरीके की स्वेलिंग है तो उसको दूर किया जा सकता है। इवन देन जो है यहाँ तक भी देखा गया है कि जैसे या ब्रेस्ट की कोई गांठ होती है, अगर सीए ना भी होता, गांठ भी अगर है तो उसमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, तो इसके पत्तों को भिगो के वो गर्म करके थोड़ा सा, और उसको जो है उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ स्वेलिंग है, जहाँ पेन है, वहाँ अगर उसको लगा देते हैं तो इसकी स्वेलिंग भी ख़त्म हो जाती है और पेनफुल कंडीशन भी ठीक हो जाती है। और इसमें और ज़ोरदार चीज़ ये है कि पेट के विभिन्न रोगों में भी इसका बहुत अच्छा रोल है।